नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। वक्त हो गया है उस शो का जिसका आप बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं, क्योंकि इसमें होती है आपके मुद्दों की बात। घंटी बजाओ वो शो है जो आपकी समस्याओं पर हर रोज सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों से सवाल पूछता है। आज घंटी बजाओ में हम उस मसले की गहनता के साथ तफ्तीश करने वाले हैं जिसकी वजह से न सिर्फ सरकारी खजाने को चूना लग रहा है बल्कि पुलिस और प्रशासन का इकबाल भी सवालों के घेरे में है। आखिर यह कैसे हो सकता है कि बिहार की राजधानी पटना से महज 25 किलोमीटर दूर खनन माफिया इतने बेखौफ हो जाए कि नीतीश कुमार का सुशासन सवालों के घेरे में आ जाए। सवाल तो यह भी, जो नीतीश कुमार इन दिनों 2024 की तैयारी में व्यस्त हैं, जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं, विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लामबंद करने में जुटे हैं, क्या उन्हें यह तक नहीं पता कि उनकी नाक के नीचे क्या चल रहा है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, घंटी बजाओ में इन खनन माफियाओं को कई बार बेनकाब किया जा चुका है, फिर भी इन पर लगाम कसने में नीतीश कुमार का पूरा तंत्र विफल है। तो आप नीतीश सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन की नाकामी के खिलाफ 8422 8400 पर घंटी जरूर बजाइए और ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, खुदाई हो रहा है बालू का, नाव पे लोड किया जा रहा है, नाव के रास्ते यहाँ से दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में बिहार के ले जाया जा रहा है। बिहार में बालू खनन पे रोक है लेकिन फिर भी यहाँ पे बालू खनन जो है हो रहा है, यह अवैध खनन कहलाएगा। बढ़िया से आता है। अब देखिए, तीन चार चार बड़े बड़े नाव यहाँ पे हैं, मजदूर लगातार बालू उठाने का काम कर रहे हैं। सब जो है अवैध खनन है और पटना से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर ये सब जो है काम हो रहा है। और देखिए, यहाँ पे जो गोलीबारी हुई है उसके आपको निशान भी देखने को मिलेंगे, उसमें कई लोगों को गोली भी लगा था। देखिए, ये खून का निशान है। ये देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको दिखाएं, ये खून का निशान है। और यहाँ पे गोलियाँ भी, अभी आपको गोली का खोखा यहाँ पे गिरा पड़ा है। गोली जिस पैकेट में आता है वो पैकेट यहाँ, ये गोली का स्टैंड है, इसमें गोली रखा जाता है, वो भी नज़र आ रहा है। दो गुट अपना वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम काटेंगे, वो कह रहा है कि हम काटेंगे, ठीक ना। और हम लोग को, जब हम लोग रुकने के लिए गए थे तो वो लोग गोली फायरिंग करके हम लोग को मारा था। तो हर समय डर लगता रहता होगा, गोली चल, डर लगता है। हम लोग का सर घर किनारे में है, लोग का जमीन भी कब्जा कर लिया है। हाँ, पूरा पूरा बालू माफिया मेरा जमीन कब्जा किया हुआ है। नहीं, फायरिंग वहाँ से होता है, पट्टी आके गोली गिरता है, कितना आदमी के देह पर भी लग गया, तो डर तो लगबे नहीं करे। एक कहावत है ना कि इतना गोली मारूंगा कि खोखा गिन के राजा हो जाएगा, सिर्फ पुलिस का यही खोखा बरामद होती है और पुलिस खोखा ही ले जाती है। ट्रेलर है उस फिल्म का जो एक्शन से भरपूर है, इसमें रहस्य है, रोमांच है, ट्रेजेडी है, लेकिन इस फिल्म में कोई हीरो नहीं, बस विलन है, एक नहीं कई विलन, और बंदूकों से लैस उनकी फौज जो एक आहट पर सैकड़ों राउंड गोलियां चला देती है। तो फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले आपको इस जगह का परिचय दे दें। बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर इस जगह का नाम है बिहटा। बिहटा के अमनाबाद में बहती है सोन नदी। आप सोच रहे होंगे, यहाँ नदी के पानी से ज्यादा तो रेत नजर आ रही है, तो आपको बता दें, ये दरअसल सोन नदी का सोना है और यहाँ की सारी लड़ाई सोन के इसी सोने की लूट की है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए फ्लैशबैक का एक किस्सा जानना जरूरी है। बुधवार की रात यह इलाका अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कोई कुछ समझ पाता तब तक चार लाशें गिर चुकी थी, लेकिन गोलियां चलनी फिर भी बंद नहीं हुई, सुबह तक फायरिंग चलती रही।
हम 6-7 आदमी को देखे उधर से फायर करते हुए जिस समय हम पहुंचे हुए थे। कितनी देर से? हम एएसपी साहब को खबर किए हैं, दानापुर एएसपी को खबर किए, सूचना यहां भी थाना पर दिया गया है कुलवर, वहां कोई नहीं पहुंचा उस समय। बॉडी को ले जाने के चक्कर में था सब, नाव से हम लोग को खदेड़ लिया है, लेबर लोग वहां पर टंगवा कर ऊपर करवाया, खींचने के चक्कर में था कि ले जाकर धंसा दे सोन नदी में। बाद में पता चला बालू के घाट पर कब्जे को लेकर दो गुटों की आपस में लड़ाई हो गई, यानी बालू माफिया के बीच गैंग वॉर। होना तो ये चाहिए कि इस गैंग वॉर के बाद यहाँ कानून का डर दिखाई दे, खनन पर रोक लगे, लेकिन हुआ क्या, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता शशांक 24 घंटे बाद फिर यहाँ पहुँचे। हम नाव के जरिए उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ बालू खनन को लेकर फायरिंग हुई है, सैकड़ों राउंड गोलियां चली है, उसी घटना स्थल पे हम जा रहे हैं। वो टापू पे वो जगह है, नाव के रास्ते, ये सोन नदी है, नाव के रास्ते हम उस घटना स्थल पे जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसा खूनी खेल वहाँ पे खेला गया है। वहाँ की आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, सैकड़ों राउंड गोलियां चली हैं। अभी हम सोन नदी में हैं, नाव के ऊपर है, नाव के रास्ते उस टापू तक पहुँच रहे हैं जो घटना स्थल है। सोन के सीने को चीरती ऐसी ही नावों से अवैध खनन के उस खेल को अंजाम दिया जाता है जो यहां बेरोक टोक जारी है। यहां के बालू माफिया का खौफ ऐसा है कि उनकी मर्जी के बिना कोई नदी पर इस तरह चल नहीं सकता। पुलिस भी यहां आने से डरती है। एबीपी न्यूज की टीम जब यहां पहुंची तो हमें डराने के लिए हवाई फायरिंग की गई, लेकिन सच सामने लाने के लिए हमारे संवाददाता शशांक आगे बढ़ते रहे। दिन के उजाले में भी सोन के किनारे सन्नाटा पसरा हुआ था। एक बार को ऐसा लगा जैसे बुधवार रात हुई गैंग वॉर के बाद यहाँ खनन का काम बंद हो गया, लेकिन जैसे ही संवाददाता शशांक टापू के भीतरी हिस्से पर पहुंचे तो तस्वीरें हैरान कर देने वाली थी। यहाँ करीब आधा दर्जन नाव खड़ी हुई थी, 50 से 60 मजदूर दिख रहे थे जिनके हाथ में फावड़ा कुदाल जैसी चीजें थी और सब अपने काम में लगे हुए थे, यानी बालू की खुदाई। इस वक्त हम अमनाबाद में उसी टापू पर मौजूद हैं जहाँ पे दो गुटों में अवैध बालू खनन को लेकर फायरिंग हुई थी। देखिए अभी भी बालू का यहाँ पे अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, इतनी बड़ी घटना हुई है तब भी बालू का खनन जारी है। बिहार में भी बालू खनन पे रोक है लेकिन यहाँ पे बालू का अवैध खनन हो रहा है, अभी जो भी खनन होगा उसको अवैध कहा जाएगा। देखिए नाव पे बालू को लाद कर दूसरे जिलों दूसरे राज्यों में सोन नदी के रास्ते जो है ले जाया जा रहा है। कल ही इतनी बड़ी घटना यहाँ पे घटी है लेकिन कोई पुलिस प्रशासन के यहाँ पे मौजूद नहीं है और धड़ल्ले से बालू खनन का काम जो है जारी है। ये एबीपी न्यूज़ पे हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग ले जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे में ये तस्वीरें पुलिस प्रशासन और खनन विभाग के अधिकारियों से लेकर बिहार सरकार को सीधी चुनौती दे रही हैं, क्योंकि राजधानी पटना से 25 किलोमीटर दूर इस जगह पर एक दिन पहले ही फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई। अब तक वो सारे शव भी बरामद नहीं हुए हैं। कायदे से यहाँ पुलिस को होना चाहिए लेकिन यहाँ अब भी मौजूद है वो खनन माफिया जिससे खूनी खेल खेला। इस वक्त हम अमनाबाद में उसी टापू पर हैं जहां पे अवैध बालू खनन को लेकर दो गुटों में सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई है, 4 लोगों की मरने की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको दिखाएं, ये खून का निशान है, जिनको गोली लगी उनको घसीटते हुए यहां से अस्पताल ले जाया गया, कई लोगों की मौत भी इसमें हो गई है। नज़दीक से दिखाएं, देखिए किस तरह का खूनी खेल जो है अवैध बालू खनन को लेकर किया जा रहा है, यहाँ पर खेला गया है और यहाँ पर गोलियाँ भी, अभी आपको गोली का खोखा यहाँ पर गिरा पड़ा है, गोली जिस पैकेट में आता है वो पैकेट यहाँ, ये गोली का स्टैंड है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन अभी हम यहाँ पर आए हैं तो हमको पुलिस प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी घटना हुई है उसके बाद भी कोई नज़र नहीं आ रहा। सोन के पीले सोने पर लाल खून के ये निशान अभी ताजे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ इस तरह की फायरिंग कोई नई बात नहीं है। हम लोग का जमीन है, वहाँ हम लोग खेती करते हैं और दो गुट अपना वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम काटेंगे, वो कह रहा है कि हम काटेंगे, ठीक ना। और हम लोग को जब हम लोग रुकने के लिए गए थे तो वो लोग गोली फायरिंग करके
हम लोग को मारा था। कितने दिन से ये खेल? ये दो अढ़ाई महीना से चल रहा है। हाँ, कहाँ बालू जाता है? ये बालू डोरीगंज, छपरा, सारण और पटना की तरफ जो गांधी पुल, महात्मा गांधी सेतु पुल बोला जाता है, वहां तक जाया जाता है। बिहार में बालू के खनन का खेल पुराना है। गंगा से लेकर सोन तक तमाम नदियों के किनारे इसी तरह रेत की लूट की जाती है, लेकिन सोन नदी हमेशा से बिहार के रेत माफिया की पहली पसंद रही है, क्योंकि इसके पास पाई जाने वाली बालू सबसे अच्छी मानी जाती है। इमारतों से लेकर पुल तक के निर्माण में इस सुनहरी बालू का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसकी अच्छी खासी मांग है और इसकी अच्छी कीमत भी मिलती है। इसी का फायदा उठाने के लिए रेत माफिया ने सोन के किनारों पर कब्जा किया हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो पोकलेन होता है, इसको बालू के अंदर बालू माफियाओं के द्वारा छिपाया गया है कि किसी की नज़र इस पे नहीं जाए। एक तरफ धड़ल्ले से काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो है पोकलेन इसको यहाँ पे छुपा दिया गया है और बालू इसके ऊपर ढक दिया गया है। प्रशासन के आँख में धूल झोंकने की कोशिश की गई है, लेकिन पोकलेन यहाँ साफ नज़र आ रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से यहाँ पे अवैध खनन होता है। आप ये मशीन देखिए, जो साफ तौर से बालू के बीचों बीच, ये बहुत बड़ा मशीन है, लेकिन इसके बाहर का पोर्शन अभी भी जो है साफ तौर से नजर आ रहा है। बालू खनन में इस्तेमाल होने वाली इन मशीनों को छिपाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि कुछ समय पहले खनन विभाग ने यहाँ मौजूद पोकलेन मशीनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। देखिए ये मशीन जिसे जला दिया गया, लेकिन इस तरह की कार्रवाई के बाद भी यहाँ खनन नहीं रुका। रोज सैकड़ों की संख्या में नाव सोन की बालू लूटकर यहां से निकल जाती है और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। हैरान करने वाली बात ये कि बिहार में जुलाई से सितंबर तक खनन पर पूरी तरह पाबंदी है, फिर भी बालू की लूट बदस्तूर जारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की शराबबंदी का सच भी यहाँ आपके सामने है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन यहाँ शराबबंदी कानून खोखला साबित हो रहा है। यहाँ पर बियर का बोतल आपको देखने को मिलेगा, कई सारी बियर की बोतलें यहाँ पर हैं। मतलब जो बालू माफिया है यहाँ पर आके अवैध खनन करते हैं और पार्टी करते हैं, बियर पीते हैं, साफ तौर से नजर आ रहा है। एक नहीं, कई सारी बियर की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप सोचिए किस तरह शराबबंदी कानून का यहाँ पर खोखला है, शराबबंदी कानून जमीन पर फेल है, ये साफ नजर आ रहा है। देखिए ये सब बियर का बोतल है यहाँ पे गिरा पड़ा है, एक नहीं कई सारे हैं। यहाँ पे बालू माफिया खनन के साथ साथ बियर पीते हैं, पार्टी करते हैं और पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। सवाल है कि बिहार के बालू माफिया को इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती कि वो रोक के बावजूद भी खनन करता रहता है, लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेता है, पुलिस की कोई परवाह नहीं। हमने इस इलाके में रहने वाले उन लोगों से बात की जिनकी जमीन छीन चुकी है। हाँ, कंप्लेन किए थे, बहुत बार कंप्लेन किए थे, लेकिन कंप्लेन दरखास्त सब कुछ दिए थे, लेकिन कोई लिखने के लिए तैयार नहीं था। एक बार जब यहाँ पे आए थे बड़ा बाबू, उनको हम लोग घेरा बनाए, तब वहाँ पर गए थे ऊपर में। डर लगेगा ना, फायरिंग वहाँ से होता है, पट्टी आके गोली गिरता है, कितना आदमी के देह पर लग गया। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।